सेलिंग 36 ऑरेंजेस अ वेंडर सफर अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस। 36 ऑरेंजेस बेचने के बाद एक वेंडर को लॉस हुआ है, चार ऑरेंज नहीं लिखा हुआ है, चार ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के बराबर। मीन्स जब वो 36 ऑरेंज बेच लिए तो 36 ऑरेंजेस को बेचने के बाद मालूम चला कि हमको लॉस हो चुका है बेचने में, कितना के बराबर, चार ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के बराबर, चार ऑरेंज के बराबर नहीं, चार ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के बराबर। फाइंड हिज लॉस परसेंट। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि इस क्वेश्चन में मान लीजिए सबके ऑरेंजेस है, ठीक है, ये ऑरेंजेस है, तो कितने ऑरेंज बेचे हैं वो, तो 36 ऑरेंज बेचने के लिए 36 खरीदना भी पड़ेगा। मीन्स ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 36 ऑरेंज मतलब बेच दें और 30 खरीदें। तो यहाँ पे हम लोग एक ऑरेंज का सीपी मानेंगे एक्स और एक का एसपी मानेंगे वाई। मीन्स एक ऑरेंज का एक्सपल निकालेंगे कि एक ऑरेंज का सीपी एक्स है, तो कितना ऑरेंज बेचे हैं, 36, तो 36 ऑरेंज खरीदे भी होंगे। तो यहाँ ध्यान देना, लेट द सीपी ऑफ वन ऑरेंज, ऑरेंजेस नहीं क्या लिखेंगे, वन ऑरेंज बी रुपीज एक्स, एक ऑरेंज का सीपी हम लोग कितना माने हैं एक्स, देयरफोर सीपी ऑफ 36 क्या लिखेंगे यहाँ पास, ऑरेंज की ऑरेंजेस 36 ऑरेंजेस बी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, तो एक का सीपी एक्स है तो 36 कितना होगा 36 एक्स, आया समझ यहाँ पास नहीं आया। उसके बाद जब हम लोग 36 ऑरेंज खरीदे हैं तो 36 बचेंगे भी। नाउ एसपी ऑफ वन ऑरेंज, एसपी ऑफ वन ऑरेंज लेट लिखना, लेट एसपी ऑफ वन ऑरेंज बी वाई, क्या मान ली है वाई, देयरफोर एसपी ऑफ 36 ऑरेंजेस इक्वल टू क्या हो गया 36 वाई। कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां पे क्वेश्चन में ध्यान देना, यहां दिखाएगा कि यहां जो लिखा है कि जो लॉस हुआ है ना, तो लॉस जो है इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज के, कि जो लॉस उनको हुआ है तो वो 4 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना है वाई, तो 4 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4y। तो लॉस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लॉस इक्वल टू एसपी ऑफ 4 ऑरेंजेस, एसपी ऑफ 4 वन ऑरेंज का एसपी कितना है y, तो 4 कितना हो जाएगा 4 into y कितना हो जाएगा 4y। अब आपको अच्छे से मालूम है कि जब क्वेश्चन बोला कि लॉस परसेंट निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे लॉस, तो लॉस कितना आ गया है 4y, और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए आप लोग, लॉस परसेंट इक्वल टू बोलिए क्या होता है लॉस परसेंट का, लॉस बाई सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना क्वेश्चन में 4y, कितना है 4y, और लॉस आपका 4y है और सीपी कितना है 36x बाई इंटू 100। लेकिन यहां से एक चीज देखिए आप लोग, यहां से फॉर्मूला बन नहीं पा रहा इसमें, तो एक और यहां से फॉर्मूला लॉस परसेंट पर निकाल लेंगे लॉस का, कि लॉस का ये भी हो सकता है लॉस का सीपी माइनस एसपी। तो लॉस कितना हम लोग का है 4y, कितना है 4y, सीपी मालूम आपको है नहीं मालूम, क्या क्या यहां पर सीपी, और एसपी कितना है आपका, एसपी जो है कितना टोटल 36y, ये 36y जाएगा इधर एलएचएस में, क्या बन जाएगा प्लस में, तो सीपी हो गया आपका 4y प्लस 36y, कितना टोटल हो जाएगा 40y, कितना हो गया। और यहाँ जब लॉस परसेंट जब निकालेंगे तो लिखेंगे लॉस बाई सीपी इंटू 100, तो लॉस में लिखेंगे 4y और सीपी में कितना पुट करेंगे हम लोग 40y, कितना करेंगे 40y, आया समझ में। वाई से वाई क्या हो जाएगा यहाँ पास कैंसल, वाई से वाई क्या हो गया 4 के टेबल में 40 कितने बार में 10 बार में, और 10 के टेबल में 100 कितने बार में 10 बार में, है बुक में आंसर कि नहीं है। लॉस कितना हो गया 10% का, यहाँ समझाया कैलकुलेशन।